हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल यूपीएससी एकेडमी में। और आज की जो हमारी वीडियो है वो क्लास नाइन्थ के एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड है। तो क्लास नाइन्थ का जो एंट्रेंस एग्जाम होता है एएमयू कंडक्ट कराता है, जो आपका अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, बीएचयू, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जामिया मिल्लिया इस्लामिया, जेएमआई, और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, बहुत सारे स्कूल्स हैं, नवोदय हैं, ये सारे जो हैं वो क्लास नाइन्थ का एंट्रेंस एग्ज़ाम कराते हैं। और अगर आप क्लास नाइन्थ का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम जो है वो अगर आप क्वालिफाई करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको बहुत सारी चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी। क्लास एट्थ की जो एजुकेशन है, क्लास एट्थ का जो सिलेबस है उसको आपको बहुत अच्छे से कवर करना है। तो इस पूरी वीडियो में हम इसमें पूरा डिटेल में कवर करेंगे कि इसका सिलेबस क्या होना चाहिए, कैसे हम उसकी प्रिपरेशन करें, इंपॉर्टेंट डेट्स क्या हैं, और एग्ज़ाम जो है वो कब कंडक्ट होता है, कब आप उसका फॉर्म भरें। तो ये सारी चीज़ें इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो इसके लिए मैं आपको ले चलता हूँ कंप्यूटर की स्क्रीन पर, और उस पर हम एक एक करके जो मैंने स्लाइड बनाई उस पर हम आपको सारी चीज़ें इसमें कवर कराते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि आज की जो हमारी वीडियो है उसका टॉपिक है हाउ टू प्रिपेयर फॉर क्लास नाइन्थ एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर 2020। तो इस साल जो एग्ज़ाम होगा उसकी हम प्रिपरेशन की बात कर रहे हैं, जो हम एएमयू अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, बीएचयू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी एंड जामिया मिल्लिया इस्लामिया, और भी इससे रिलेटेड एग्ज़ाम्स हैं जिनकी हम प्रिपरेशन बहुत आराम से कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, सबसे पहले जो हम बात करने वाले हैं वो इम्पॉर्टेंट डेट्स क्या हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि इम्पॉर्टेंट डेट्स क्या हैं, इसका फॉर्म कब आएगा, इसका एग्ज़ाम कब होगा, इसका रिजल्ट जो है वो कब आएगा। उसके बाद जब आपको ये सारी चीज़ें हो जाएंगी उसके बाद आपको जो है वो सिलेबस का पता होना बहुत ज़रूरी है किसी भी एग्ज़ाम के लिए। जब तक आपको सिलेबस नहीं पता होता है तब तक आप उस एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से नहीं कर सकते। तो जो भी आप इस एग्ज़ाम को आप जो है अगर आप उसको ध्यान से देखेंगे तो इसका सिलेबस जो है वो डिफाइंड है, उस सिलेबस को ही आपको पढ़ना है। उसके बाद अब आपको सिलेबस पता चल गया तो कौन सा सिलेबस किसकी जितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो चीज़ आपको यहाँ पता होनी चाहिए। तो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन बात करेंगे कि जो हमारा साइंस है, हमारा मैथ है, और भी बाकी जो हमारे सब टॉपिक्स हैं वो टॉपिक्स को कितने कितने वेटेज में, उनका वेटेज कितना है, कितने परसेंटेज में उसको डिवाइड कर दिया करा गया है यहाँ पर, और लास्ट जो है वो हम कैसे इसकी तैयारी करें। तो ये सबसे लास्ट वाला सबसे इम्पॉर्टेंट है, इसको मैं लास्ट में डिस्कस करूँगा। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पर इम्पॉर्टेंट जो हमारी डेट्स हैं उसके बारे में। तो इम्पॉर्टेंट डेट्स के बारे में अगर हम यहाँ बात करें तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं यहाँ पर हमारा जो है वो एएमयू है। तो एएमयू जो है उसकी उसका जो फॉर्म आएगा वो नेक्स्ट ईयर जो है हमारा जो जनवरी लास्ट में आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं इस साल की बात करूं तो उसकी जो लास्ट डेट थी इस साल 16 फ़रवरी 2019 थी। तो नेक्स्ट ईयर जो है वो उसकी लास्ट डेट जो है वो आपकी फेब में होगी और जनवरी में इसका फॉर्म आ जाएगा। एग्ज़ाम डेट जो इसकी है वो मार्च में होती है। और देखिए ये जो है वो इसलिए मैं मार्च ले हूँ, एग्जैक्ट डेट जो है वो इसलिए नहीं बता रहा हूँ आपको क्योंकि वो जो डेट है वो थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो जाती है और इसका जो एग्ज़ाम डेट होगी वो मार्च में ही लगभग होगी। तो यहाँ पर इस साल जो इसका एग्ज़ाम हुआ था वो 24 मार्च 2019 में हुआ था और इसका रिजल्ट जो है वो जून में, इसमें क्योंकि इंटरव्यू होता है तो आपको इंटरव्यू भी देना है। तो यहाँ पर इंटरव्यू से पहले एक लिस्ट आएगी, उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। और नेक्स्ट जो हमारा है वो बीएचयू है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पर इसमें जो है वो मार्च में इसका फॉर्म आ जाएगा और मार्च में इसका फॉर्म आएगा और अप्रैल में इसका क्या है एग्ज़ाम है, और इसका जो रिज़ल्ट होगा वो जून में आएगा। और जामिया मिल्लिया इस्लामिया की बात करें तो इसका जो फॉर्म आएगा वो फरवरी में आ जाएगा और इसका जो एग्ज़ाम है वो मई में है। तो अब मार्च अप्रैल मई आप देख सकते हैं कि पहले आप एएमयू का एग्ज़ाम दे सकते हैं, उसके बाद आप बीएचयू, उसके बाद हम जामिया मिल्लिया का एग्ज़ाम। तो तीनों के अलग अलग मंथ में काफ़ी इसमें 15-20 दिन का आपको गैप मिल जाएगा, तो आप आराम से इनके एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। क्योंकि अगर मैं सिलेबस के भी आने वाले स्लाइड में सिलेबस देखूँगा तो थोड़ा सा सिलेबस जो है वो डिफरेंट है, 80% लगभग जो सिलेबस है वो सेम है, और इनके जो रिज़ल्ट हैं वो सभी के रिज़ल्ट जो हैं वो लगभग जून में आ जाएंगे। तो जून में आपका किसी का स्टार्टिंग जून में आ जाएगा, किसी का जो लास्ट जून में होगा, और मान के चलिए कि लास्ट जून में ही सबका रिज़ल्ट आएगा। तो यहाँ पर जो है वो हम आगे बात करते हैं कि सिलेबस क्या होगा इसका, सिलेबस एंड मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन। तो सबसे पहले हम एएमयू की बात कर लेते हैं। तो एएमयू के बारे में अगर मैं यहाँ बात करूँ तो एएमयू का जो सिलेबस होगा वो आपका क्या है, देखिए जो पूरा पेपर है उसको टू सेक्शंस में इन्होंने डिवाइड कर रखा है, टू सेक्शन, सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2। तो सेक्शन 1 में 25 मार्क्स का जो है आपका
सेक्शन बन जाएगा 25 मार्क्स का होगा, जिसमें 25 ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चंस होंगे। अब ये क्वेश्चंस कहाँ से आएंगे, ये जो आपके क्वेश्चंस होंगे वो लैंग्वेजेस बेस्ड में होंगे, तो लैंग्वेजेस आपकी जो होंगी वो इंग्लिश, उर्दू एंड हिंदी। तो इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस मुझे आएंगे, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो 25 क्वेश्चंस होंगे। 25 क्वेश्चंस आपको जो है वो यहाँ से करना है, और सेक्शन टू जो हमारा है वो 60 मार्क्स का होगा और 60 ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन होंगे। तो टोटल आपका जो पेपर है वो कितना, 60 एंड 25। तो 60 मार्क्स एंड 25 मार्क्स, लगभग 85 मार्क्स का यहाँ पर आपका पेपर होगा। अब ये सेक्शन टू है, उसमें कौन सा आपका सिलेबस है, उसमें जो है वो मैथमेटिक्स और साइंस है। तो मैथ के 30 क्वेश्चंस होंगे, 30 ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन 30 मार्क्स के, एंड साइंस भी जो हमारा है वो 30 मार्क्स का, 30 क्वेश्चंस यहाँ पर आने वाले हैं। अब यहाँ पर एक कंडीशन है, अगर आप जो है वो सेक्शन टू की कॉपी आपकी तभी चेक होगी जब आप सेक्शन वन में मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, यहाँ पर क्वालिफिकेशन मार्क्स यहाँ एसेंशियल है, इट इज एसेंशियल दैट कैंडिडेट्स ऑब्टेन्स अ मिनिमम 40% मार्क्स इन द सेक्शन वन इन द रिटन टेस्ट टू एलिजिबल फॉर द इंटरव्यू एंड एडमिशन। तो इंटरव्यू आपको तभी, इंटरव्यू के लिए तभी कॉल आपकी आएगी जब आपका जो है वो आपके यहाँ पर क्या होंगे, वो 40% मार्क्स होंगे इसमें, इस फर्स्ट सेक्शन में 40% मिनिमम मार्क्स। तो 25 का अगर आप 40% देखेंगे तो आपका कितना आ रहा है, 25 का 40% देखेंगे तो 10 मार्क्स। तो 25 में से 10 मार्क्स आपके मिनिमम होने चाहिए। अगर 9 है और यहाँ पर आपके 60 में 60 है, तो ऐसा मान के चलिए कि आप जो है वो क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, आपको कॉल नहीं आएगी, आपका जो है सिलेक्शन इंटरव्यू के लिए नहीं होगा। अब यहाँ पर सिलेबस क्या है, जो टेस्ट सिलेबस है वो क्लास, क्योंकि हम 9th का एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो क्लास 8 का जो है वो NCERT आपको पढ़ना है। अब यहाँ पर देखिए, AMU के लिए आपको साइंस की पढ़ना है, आपको मैथमेटिक्स यहाँ पर SST नहीं आती है, और आपको लैंग्वेजेस में इंग्लिश, उर्दू और हिंदी यहाँ पर पढ़ना है। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट हमारा BHU। तो BHU में अगर हम देखें तो BHU में क्लास 9th का जो सिलेबस है वो 100 MCQs होंगे, और इसमें कौन क्या क्या आएगा, देखिए इसमें इंग्लिश आएगी, हिंदी आएगी, और आपको यहाँ उर्दू नहीं आने वाली, आपको इंग्लिश, हिंदी, मैथमेटिक्स एंड जनरल साइंस में आपकी साइंस हो गई, और यहाँ पर सोशल साइंस जो है वो एक्स्ट्रा है, ये आपको यहाँ पढ़ना पड़ेगा, जो AMU नहीं था। AMU में इसकी जगह आपकी उर्दू थी, तो यहाँ पर 3 यहाँ पर उर्दू थे। अभी टोटल 100 क्वेश्चंस होंगे, 100 नंबर्स के। तो ये आपका BHU का सिलेबस हो गया। एंड जामिया का अगर हम देखें तो यहाँ पर इंग्लिश 25 मार्क्स की, मैथ्स आपका 30 मार्क्स का, साइंस 25 एंड सोशल साइंस जो है आपकी जो है 20 मार्क्स की। तो यहाँ पर आपका हिंदी नहीं है, यहाँ पर उर्दू भी नहीं है, लेकिन यहाँ पर सोशल साइंस है। तो BHU और इसमें अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर इंग्लिश, हिंदी नहीं है, और बाकी जो सिलेबस है वो एकदम सेम है। तो यहाँ पर लगभग 90% जामिया का और BHU का सिलेबस सेम है। तो इस तरह से आप अगर आप एक साथ तैयारी कर रहे हैं तो आपको थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ना है, और आप तीनों जो यूनिवर्सिटी हैं उनके एग्ज़ाम दे सकते हैं। इसीलिए मैंने इस वीडियो को एक साथ बनाया, जिससे कि आपको एक साथ तीनों चीज़ें क्लियरली पता चले। इसमें बहुत सारी चीज़ें मैंने जो है वो आपको डिस्कस नहीं की, इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जो एज लिमिट वगैरह, वो सारी चीज़ें हैं वो मैंने यहाँ पर आपको नहीं बताई हैं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। और जब इसका जो फॉर्म आएगा उस समय इसका नया प्रोस्पेक्टस होगा, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि यहाँ पर जो है वो थोड़ा बहुत चेंज कर देते हैं। तो जब भी इसका प्रोस्पेक्टस आएगा नेक्स्ट ईयर, तो तब मैं उसकी डिटेल में वीडियो बनाऊंगा, जामिया की, BHU और AMU की अलग अलग, मतलब क्लास 9th की अलग, जामिया की, BHU क्लास 9th की अलग, और AMU की क्लास 9th की अलग, ठीक है। तो उस समय आपको ये वीडियो सेपरेट मिल जाएंगी। अब हम बात करते हैं सिलेबस की। तो देखिए, हमने मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन देख लिया, और सिलेबस का हमने वो देख लिया, टॉपिक क्या क्या, मेन सिलेबस क्या है कि मैथमेटिक्स का। अब मैथमेटिक्स के अंदर आपको पढ़ना क्या है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि क्लास 9th का सिलेबस है, तो क्लास 8 की आपको NCERT पढ़ना है। ये जो NCERT है वो आपकी किसकी है, साइंस की NCERT है। तो यहाँ पर आपको साइंस पढ़ना है, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फैंड एंड फो। यहाँ पर आपको देखना सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक मटेरियल्स, और यहाँ पर अगर देखेंगे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के अंदर यहाँ आएंगे, यहाँ पर कोल्स हैं, पेट्रोलियम। तो यहाँ पर जो हमारा है, देखिए यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स एंड प्रेशर, साउंड, केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो ये हमारी फिजिक्स है। तो यहाँ आगे चल के ये सारा डिवीजन है। तो यहाँ पर ये जो आपका है वो साइंस का सिलेबस है, क्लास 8 की NCERT है, तो इसको आपको अच्छे से कवर करना है। तो आप बाद में जो है मुझे कमेंट करेंगे कि आप कौन सी गाइड खरीदें, क्या खरीदें, तो आपको कुछ भी खरीदने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ जो है वो आपको यहाँ पर सिर्फ खरीदने की ज़रूरत है NCERT। बाकी सारी चीज़ें मैं यहाँ कवर कराऊंगा, आप बिल्कुल परेशान ना हो, और NCERT भी मैं एक एक करके कवर कराऊंगा सारे क्वेश्चंस,
प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में कवर कराऊंगा, बहुत सारे जो मटेरियल है उसके लिए आप एक दो बुक में जो आपको अभी बताऊंगा बाद में उन बुक्स को आप जरूर खरीदें, जिससे कि मैं हर साल का मटेरियल जो है चेंज होता है तो साल जो बेस्ट मटेरियल होगा वो आपको मैं यहाँ बता दूंगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा जो है ये मैथमेटिक्स का पार्ट है, तो मैथ में आपको सिर्फ इतना पढ़ना है और मैथ में ये आपके 16 चैप्टर्स हैं, ये आपके क्लास 8 की मैथमेटिक्स एनसीईआरटी की है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये आपका क्या है, एसएसटी का पार्ट है। यहाँ पर एसएसटी का यहाँ पर पार्ट ये आपका है। अब ये देखिए ये सारा एसएसटी का है और इंग्लिश जो है वो आपको एनसीईआरटी ही पढ़ना है। ठीक है, तो इंग्लिश और हिंदी जो आपका रहेगा वो आप किससे करेंगे, आप उसमें हिंदी की एनसीईआरटी पढ़ेंगे। ठीक, उसी से आपका यहाँ पर हो जाएगा। और उर्दू के लिए जो आपकी उर्दू आएगी, जो एएमयू की हम बात करें तो उसमें आपका इंडो इस्लामिक कल्चर आता है, उसके लिए अलग से गाइड आती है, उस गाइड को आप पढ़ लेना और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और बस ये है कि अब इतना आसान भी नहीं कि आपका सिलेक्शन हो जाए, आपको जो अभी से बहुत एकदम प्लानिंग करके रेगुलर बेसिस पे स्टडी करना है तभी आपका सिलेक्शन होगा। अदरवाइज़ ये सिलेक्शन, क्योंकि इसमें कंपटीशन अच्छा खासा होता है तो सिलेक्शन इतना आसान नहीं है। अब हम बात करते हैं कि इसको प्रिपेयर कैसे करें, हम इसकी स्टडी कैसे करें। तो बहुत सारी चीज़ें मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो सबसे पहले आपको ज़रूरत है एनसीईआरटी को ख़रीदने की। तो एनसीईआरटी को आपको जो है वो 5 to 6 टाइम्स पहले जो है वो रीड करना है और समझ समझ के पढ़ना है। यहाँ पर आप जो है वो एनसीईआरटी के नोट्स बना लें और यहाँ पर मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। तो आने वाले टाइम में मैं सारी एनसीईआरटी की जो वीडियोज़ हैं वो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ और आने वाले टाइम में मैं प्रॉपर तरीके से उसको अपलोड करूँगा। तो अभी कुछ वीडियोज़ जो हैं वो जो है रिकॉर्ड हो चुकी हैं, कुछ रह गई हैं। तो सारी वीडियो जो है वो आपको 1 से 2 महीने के अंदर सारी वीडियोज़ धीरे धीरे मिल जाएंगी। तो यहाँ पर एनसीईआरटी के जो वीडियोज़ जो हैं वो आपको जो है वो मेरे इस यूट्यूब चैनल पर आपको यहाँ मिल जाएंगी। यूपीएससी अकेडमी नाम से जो मेरा यूट्यूब चैनल है उस पर आपको सारी वीडियोज़ यहाँ अवेलेबल होंगी एनसीईआरटी की। तो एनसीईआरटी में हम क्या कवर करेंगे, हम यहाँ पर मैथ कवर करेंगे, आपकी यहाँ एसएसटी कवर करेंगे और यहाँ पर हम जो है कवर करने वाले हैं वो साइंस वाला पोर्शन। तो 3 एनसीईआरटी तो कंपलसरी हम कवर करेंगे। उसके बाद आपका रह जाएगा हिंदी और इंग्लिश, आप जो है वो खुद से तैयार करेंगे। और अगर आपको ये, मैं नहीं कराऊंगा क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं हिंदी और इंग्लिश को भी कवर कराऊं, तो ये वाला पोर्शन आसान होता है, ये आप खुद से भी कर सकते हैं। और उर्दू वाले सेक्शन के लिए मैं कहीं ना कहीं से आपको मटेरियल अवेलेबल करा दूंगा, तो उस मटेरियल को पढ़ने या फिर अगर मुझे टाइम मिलेगा तो मैं इस पोर्शन को कवर करा दूंगा। ठीक है, तो यहाँ से ये पोर्शन आपको पढ़ना है। उसके बाद जो है वो हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाएंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस करेंगे। तो यहाँ पर मैं प्रैक्टिस के लिए वीडियोज़ अपलोड करूँगा, तो उन वीडियोज़ को आप देखें और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को जो है वो लास्ट के दो महीने एग्ज़ाम से 2 महीने पहले से मैं आपको उसको अपलोड करूँगा। बीच बीच जो है वो मैं टेस्ट अपलोड करता रहूँगा, चाहे वो आपको जो है वो मैं लिंक प्रोवाइड कर दूँ कि तो आप उसको डाउनलोड करके प्रिंट आउट करके आप उसको कर सकते हैं, या फिर मैं उसकी वीडियोज़ बना सकता हूँ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से रिलेटेड। क्योंकि जैसे जैसे यहाँ पर एसएसटी साइंस का टॉपिक खत्म होगा, कोई भी चैप्टर खत्म होगा, तो उससे रिलेटेड एमसीक्यूज़ की वीडियोज़ आपको मिलेंगी। 50 से 100 एमसीक्यूज़ हर टॉपिक पर मैं यहाँ अपलोड करूँगा, तो आपको यहाँ परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर इस तरह से आप तैयारी करेंगे और लास्ट में जो है आपको बहुत अच्छे से एकदम तैयारी करना है। उसके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आपको जितना ज़्यादा लगाएं उतना बढ़िया रहेगा, जिससे कि आपको आइडिया लग जाएगा कि आप जो है वो किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं और हम किस तरह से उसको अपना जो है वो सॉल्व करें। क्योंकि ये कंपटीशन है, आपको बहुत सारी चीज़ें शॉर्टकट में आनी चाहिए, तो शॉर्टकट्स यहाँ पर बहुत ज़रूरी हैं। तो वो मैं मैथ्स में साइंस में ज़रूर बताऊँगा। तो वो सारी चीज़ें हैं, आप किस तरह से अप्रोच करें, आपको क्वेश्चन नहीं भी आता है तो आपको उसको किस तरह से अप्रोच करें जिससे कि वो क्वेश्चन भी आप सही कर पाएँ। ठीक है, तो ये जो है वो यहाँ तक मैं आपको बता चुका हूँ। तो ये जो हमारी वीडियो थी वो यहीं तक थी, तो मैंने इसमें आपको सीक्वेंस वाइज सारी चीज़ें बता दी। और हाँ, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मुझे अनअकैडमी पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो जो अनअकैडमी का सॉफ्टवेयर है, जो ऐप है, उस पर आप मुझे जाके फॉलो कर सकते हैं। मेरा जो नाम है वो इस नाम से आप सर्च करें, ATEE अतीक, और फिर आप यहाँ पर अहमद की स्पेलिंग ही लिखेंगे, वहाँ पर सर्च करेंगे तो मेरा जो है वो प्रोफाइल आ जाएगी, वहाँ आ जाकर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। उस पर बहुत सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी मैथमेटिक्स से रिलेटेड, और भी बहुत सारी वीडियोस, और आने वाले टाइम में बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोज़ मैं अपलोड करूँगा। तो क्योंकि मेरे पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं होता है, तो क्योंकि एएमयू से रिलेटेड जानकारी मुझे काफ़ी दिनों से है और मैं काफ़ी अपने बहुत सारे टाइम से वहाँ पर लगातार जा रहा हूँ। मेरे जो है वो कांटेक्ट में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, मेरी फैमिली से वहाँ स्टूडेंट्स हैं। तो इस बार जो है वो अभी तक मैंने ऐसा मेरे दिमाग में नहीं आया था और मैं ऐसा सोच भी नहीं रहा था। तो इस बार मैंने जब वहाँ गया तो काफ़ी स्टूडेंट से बात की, तो काफ़ी प्रॉब्लम्स उनको फेस करनी पड़ी कि कहाँ से पढ़ें, कैसे पढ़ें, ये सारी प्रॉब्लम्स आई।
तो फिर मैंने सोचा मैं इसको जो है वो कंटिन्यू करता हूँ, और मैं ज़्यादा वीडियोस तो, क्योंकि मेरे लिए ज़्यादा वीडियोस तो बनाना पॉसिबल नहीं, लेकिन मैं इतनी वीडियोस बना दूंगा कि आप आराम से तैयारी कर पाएंगे। तो वीकली अगर मैं 2 से 3 वीडियो अपलोड कर दूंगा तो आपका आराम से कवर हो जाएगा 3 से 4 महीने में। तो बस हमको इतना ही पढ़ना है, लेकिन आपको बहुत अच्छे से, खुद से बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करना है, मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम जरूर मिलेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी ही हम अपलोड करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आप जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा, अगर अपने जो आपका सोशल प्लेटफॉर्म है उस पर अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करेंगे तो बहुत सारे स्टूडेंट्स तक जो है वो इसकी इन्फॉर्मेशन पहुँच जाएगी। तो अगर उनको नहीं पता है तो वो सारी चीज़ें उनको पता चल जाएंगी। तो आज की वीडियो जो आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइएगा। अगर आपको सजेशन देना चाहते हैं तो भी ज़रूर लिख के बताइएगा, और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। आई एम अतीक अहमद साइनिंग ऑफ। जय हिंद।